आप सभी दर्शकों को सादर सेवा जोहार। मैं गोंड लालमन सिंह और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानते हैं शिवम गवरा पर्व के बारे में। शिमगा पंडुम यानी होली का पर्व शिवम गवरा भी कहा जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कुयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीवों का जो प्राचीन दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों से भिन्न है। ये त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोंड समुदाय के लोग इस त्योहार को अपने अपने गाँव में सभी मिलकर मनाते हैं। हर गांव के लड़के 15 दिन पूर्व से ही प्रतिदिन शाम को गवरा नाकटिया सिमटुंदीलतिया किसकुंडा मानता नीर मिक्के किया ऐसा गीत गाते हुए हर घर से लकड़ियां जमा करके गांव के बाहर पूर्व दिशा में जहां होली जलाई जाती है ले जाकर जमा करते हैं। लकड़ियों का जो ढेर होता है उसे शिव गवरा जोहार जो बनोरियाल फोदायफो बिनोरियाल फोदायफो ऐसे नारे लगाकर 5 प्रदक्षिणा दाएं से बाएं करते हैं और घर लौट आते हैं। इस तरह लकड़ियां जमा करने के बारे पूर्णिमा के दिन संध्या को गांव का भूमका सभी ग्रामवासियों के साथ आरती ले जाता है। वहां एक फीट गड्ढा खोदकर उसमें कुछ पैसे और लोहे का चूरा डालकर एक ऊंचा खंभा खड़ा किया जाता है। उसे हल्दी चावल चढ़ाकर पूजा जाता है। उसके चारों ओर सभी लकड़ियां खड़ी करते हैं। बाद में चकमक की चिंगारी से उसे जलाते हैं। उस जलते लकड़ियों की होली में एक गुथे हुए आटे की पार्वती की मूर्ति बनाकर डालते हैं। फिर सभी लोग शिवम गवरा शिवम गवरा शिवम गवरा ऐसे चिल्लाते हुए जलते होली को 5 चक्कर मारते हैं। ठीक उसी वक्त एक व्यक्ति शंभू यानी शिव का वेशधारी त्रिशूल लेकर वहां आता है और जलते होली को दाएं से बाएं 5 चक्कर लगाकर अपने त्रिशूल से क्रोधित होकर जलते होली पर वार करता है। अंत में सभी लोग शिवम गवरा जोहार जो बिनुरियाल फोदायफो ऐसे नारे लगाकर 7 परिक्रमा डालते हैं। तत्पश्चात शंभू पार्वती से संबंधित फगवा गीत गाकर रात भर जलते होली का जागरण करते हैं। दूसरे दिन सुबह अपने घर लौट आकर नहा धोकर फिर से होली के पास जाते हैं और गाय के गोबरियों को जलाकर उसके राख अपने मस्तक पर लगाकर उसकी पूजा करते हैं। सभी ग्रामवासी गोबरियों की राख अपने अपने घर ले जाकर परिवार के सभी सदस्यों को लगाते हैं। उसके बाद रंग गुलाल एक दूसरे पर डालकर रंग खेलते हैं। इस तरह ये त्योहार मनाया जाता है। शिवम गवरा ये त्योहार मनाने के लिए पीछे कुयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीवों का दर्शन है वह अन्य समाज के लोगों के दर्शन से भिन्न है। शिवम गवरा ये गोंडी शब्द है जो शिव जोड़ जोड़ गवरा इन 3 शब्दों की मेल से बना है। शिव यानी शंभू, ओ यानी ले जा और गवरा यानी पार्वती। भले ही इस गणजीवों में अपनी अधिसत्ता प्रस्थापित करने वाले अनेक शंभू हुए और शंभू गवरा या मध्य की जोड़ी थी जिसके बाद शंभू पार्वती तक करीब 44 शंभू शेखों ने राज्य किया, परंतु शंभू गवरा की जोड़ी ऐसी यादगार हो गई कि उसके बाद के शंभू और उनके अर्धांगिनियों को कुयावंशीय गोंड समुदाय के लोग शंभू गवरा नाम से ही संबोधित किया करते हैं। इस तरह पार्वती जो अंतिम शंभू की पत्नी थी उसे भी गवरा के रूप में ही माना जाता है। इस तरह शिवम गवरा यानी शिव ले जाओ गवरा को ऐसा अर्थ होता है। शिवम गवरा इस शब्द का अभ्रंश शिव्या हुआ है। प्रश्न यह है कि शिवम गवरा शिवम गवरा शिवम गवरा ऐसे नारे लगाते हुए कुयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीव होली क्यों जलाते हैं। इस संबंध में जो प्राचीन दर्शन है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब कुयावंशीय गोंड समुदाय के गण राज्यों पर आर्यों का आक्रमण हुआ तब उसमें घमासान युद्ध छिड़ गया। कुयावंशीय गणजीव शंभू के उपासक थे जो योग और तंदरी विद्या में इतना प्रवीण था कि जब तक वह अपने योग साधना में लीन होता था जब तक उसके सेवकों को कोई पराजित नहीं कर सकता था। इस बात की जानकारी गुप्त हेरों द्वारा जब आर्य राजाओं को प्राप्त हुई तब अपनी रूपवती कन्याओं को शंभू की योग साधना भंग करने के लिए भेजा गया। दक्ष कन्या पार्वती उन्हीं में से एक थी, परंतु आर्य राजाओं को उस वक्त तब झटका लगा जब दक्ष कन्या ने शंभू को अपने माया जाल में नहीं गिरफ्त कर पाए, जिसकी वजह से दक्ष राजा क्रोधित हो गए और अपनी कन्या को मारने की उन्होंने योजना बनाई। एक दिन दक्ष राजा ने अपने घर में महायज्ञ समारंभ आयोजित कर सभी आर्य राजाओं को निमंत्रित किया। उसने अपनी कन्या पार्वती को भी निमंत्रण भेजा। उस कार्यक्रम में शंभू को निमंत्रण नहीं होने के कारण उसने पार्वती के साथ जाना उचित नहीं समझा। पार्वती अपने पिताजी के निमंत्रण पर अकेली गई। उसे अकेली देखकर सभी राजाओं ने उसका घोर अपमान किया। उसने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे यज्ञ कुंड में धकेल दिया। उसके साथ जो सेवक आए थे उनको जब इस घटना की जानकारी मिली तब वे शिवम गवरा शिवम गवरा शिवम गवरा अर्थात हे शिव गवरा को ले जाओ हे शिव गवरा को ले जाओ ऐसा चिल्लाते हुए शिव की ओर दौड़ पड़े। जब शंभू को उस घटना की खबर मिली तब वह क्रोधित होकर दक्ष राजा के महल में गया और अपने तीसरे नेत्र से आग बरसाकर उसके राजमहल को जला दिया। इस तरह दक्ष राजा के राजमहल की होली शिव ने जलाई। उसके सेवकों ने शिव गवरा जोहार जो बिनोरियाल फोदायफो बिनोरियाल फोदायफो ऐसे नारे लगाकर गवरा दाई की राख अपने मस्तक में जलाकर आर्यों को नाम शेष करने की सौगंध खाई। उसी घटना को लेकर आज भी कुयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीव होली जलाते हैं। उसके लिए वे 15 दिन से गवरा के नाम से लकड़ियां जमा करते हैं। लकड़ियां जमा करते वक्त जो गीत गाया जाता है वह इस प्रकार है। गवराना कटिया सिमट उंदीलतिया किसकुंडा मानता नीर मिटके किया गवराना कटिया सिमट उंदीलतिया
दक्षी राज महलोता नीर मिटके किया। गवराना कतिया सिमट उन्दी लतिया। बर्मा रकासता नीर मिटके किया। गवराना कतिया सिमट उन्दी लतिया। बिसो नात्याना नीर मिटके किया। गवराना कतिया सिमट उन्दी लतिया। शंभू गवराना जोहार जो किया। उक्त गीत का सार यह है कि गवरा के नाम से एक लकड़ी दो जिसमें यज्ञ कुंडीय मानों को जलाने की शक्ति हो, दक्ष राजा के महल को राख करने की शक्ति हो, बर्मा राक्षस को और विष्णु नारिया को मिटाने की शक्ति हो और शिव गवरा का जयकार करने की शक्ति हो। होली जलाते वक्त शिवम गवरा शिवम गवरा शिवम गवरा ऐसे जो नारे लगाए जाते हैं उसका अर्थ शिव ले जाओ गवरा को शिव ले जाओ गवरा को ऐसा होता है, क्योंकि अपने पिता के घर में गवरा का अपमान किया जा रहा था। तब उसके सेवक शिव की ओर शिवम गवरा ऐसा चिल्लाते हुए दौड़ा पड़े। होली जलाने के बाद जो शिवम गवरा जोहार जो बिनोरियाल फोदायफो बिनोरियाल फोदायफो अर्थात शिव गवरा का जय जयकार हो, ब्रह्मा का सत्यानाश हो, विष्णु का सत्यानाश हो ऐसे नारे लगाए जाते हैं। वे इसलिए कि उन्हीं के कारण उसे यज्ञ कुंड में धकेल कर जला दिया गया था। जलते होली के अंदर गवरा जी की जो मुरत डाली जाती है वह इस बात का सबूत है कि उसे जबरदस्ती यज्ञ कुंड में धकेला गया था। गोबरियों को जलाकर उसकी राख मस्तक पर लगाने का जो रिवाज है वह इस बात प्रतीक है कि वे राख लगाकर अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाने का प्रण करते हैं। होली के जलते हुए लकड़ियों पर एक त्रिशूलधारी व्यक्ति अपने त्रिशूल से वार करता है। वह शिव के क्रोधित होने का साक्षात प्रमाण है और अपने क्रोध से दक्ष राजा के महल को जलाकर राख कर देते हैं। इस तरह होली त्योहार मनाने के पीछे कोयावंशीय गोंड समुदाय के गणजीवों का पुरातन आधार है। दूसरे दिन पलाश के फूलों का रंग एक दूसरे पर डालकर खून की होली खेलते हैं, क्योंकि दक्ष राजा के महल को जलाकर शिव गवरा के सेवक आर्य राजाओं को मार काट कर भगाने का वह प्रतीक है। छीन के लेंगे अपना।